जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले तो कल तक जो चीजें देखी थी उसमें कोई किसी का क्वेश्चन क्वेरी ऑब्जर्वेशन कोई नहीं? अच्छा जी, कल हम देख रहे थे बेसिकली डिमांड और उसके डिटरमिनेंट्स और उस चीजों के ऊपर हमने कंप्लीट कर लिया था। लिमिटेशन अपना और डिमांड हम देखना चाह रहे थे। लिमिटेशन हमारे क्या है कि कुछ ऐसे सिचुएशन है, कुछ ऐसे सूरत हाल है जहां पर लाभ डिमांड जिस तरीके से हम समझ रहे हैं वैसे अप्लाई नहीं होता। लास्ट डिमांड में क्या था कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। लास्ट डिमांड के अंदर हमने ये बात कही है तो कुछ ऐसे मामला हैं जिनके ऊपर ये लास्ट डिमांड मैटर नहीं करता, असरअंदाज नहीं होता। प्राइस का और डिमांड का जो रिवर्स रिलेशनशिप है वो इस तरीके के साथ हमें नजर नहीं आता। वो कौन से हैं? अगर ट्रेंड चेंज हो जाए, सब कंज्यूमर्स कहेंगे ना हम इस तरीके के साथ अपनी कंजम्पशन करेंगे, ट्रेंड चेंज हो जाए तो चेंज ऑफ ट्रेंड की वजह से लोग अपनी कंजम्पशन को डिफरेंट कर लेंगे। जी लेट्स रिज्यूम। हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ डिमांड की और लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने कुछ लिमिटेशन देखनी थी कि जहां पे नॉर्मल रूटीन का लॉ हमारा अप्लाई नहीं होता वो कौन सी लिमिटेशन है। क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिनर आपका आकर पूछ लेता है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो वो व्हाट आर द लिमिटेशन वो देखनी है। तो हमने उसने यहाँ पे पांच किसी लिमिटेशन बताई। जब आप ट्रेंड्स की बात कर रहे हो, फैशन की बात कर रहे हो, तो वहां पे आमतौर पे इस चीज को नहीं देखा जाता कि प्राइसेस कम है या ज्यादा है। वो आप फॉलो करते हैं, ह्यूमन साइकी है, ह्यूमन साइकी है। आप प्राइसेस के ऊपर आपके डिसीजन नहीं बना रहे होते। आपके डिसीजन का बेसिक जो सेंस होती है वो आपकी ट्रेंड फैशन उसकी बेस के ऊपर हो रहा होता है। और बार दफा ज्यादा हाई प्राइस जो चीज है वो ज्यादा बिक रही होती है। रीजन उसकी सिर्फ ये होती है कि वो इस वक्त ट्रेंड में है, वो फैशन में है, तो वो प्राइस हाई होके भी उसकी डिमांड में इजाफा ही हो रहा होता है। और फिर सर्टन, अच्छा दूसरी बात और भी है, सर्टन जगहों पे जब आपकी वो प्राइस प्रोडक्ट फैशन के आउट होगी, पिछले साल का डिजाइन है तो इस साल में वो फैशन के आउट हो गया, तो आज आप उसकी प्राइस अगर डिक्रीज भी कर देंगे कि लोग उसकी डिमांड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों कहेंगे भाई यार पहले ही ये तो आप पुरानी प्रोडक्ट है, हम नई प्रोडक्ट लेंगे, पुरानी प्रोडक्ट हम क्यों परचेज करेंगे। इसीलिए उसके ऊपर डिस्काउंट लगाते हैं। डिस्काउंट लगा के भी आप उसकी उतनी सेल नहीं कर सकते, उतनी सेल बढ़ा नहीं सकते, उसी प्रोडक्ट को बेच लाभ महदूद तादाद में बेच नहीं सकते। रीजन ये है कि लोगों ने अब वो
डिजाइन आउट ऑफ फैशन हो गया और आप उन्होंने उसको खत्म कर दिया। फिर चेंज इन इनकम, जब इनकम चेंज होती है तो हमने देखा है इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज इट इज अनलाइकली दैट डिमांड विल राइज, हाउएवर इट इज हैपन इनकम हैज इंक्रीज बिकॉज देन द पावर ऑफ स्पेंडिंग आल्सो इंक्रीज। इनकम के साथ हमारा राइज एंड डिक्लाइन इनकम इंपैक्ट करता था, हमने देखा रिवर्स इंपैक्ट होता था। लेकिन कई जगहों पे जहां पे प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज भी कर दे लेकिन फिर भी हमारी डिमांड राइज ना हो, क्यों ना हो, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई। और शॉर्टेज ऑफ गुड्स, जब शॉर्टेज ऑफ गुड होती है तब भी हमारा लाभ डिमांड इस तरीके के साथ असर लाजमी हो रहा था। हमने देखा था अदर फैक्टर के अंदर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस के ऊपर कि लोगों ने आज के दिन प्राइस ज्यादा भी हुई है लेकिन ज्यादा ख्याल कर रहे हैं कि कल प्राइस कम हो जाएगी तो आज के दिन वो कंजम्पशन नहीं करेंगे, और अगर आज प्राइस उनको बताया कि कम है और शॉर्टेज हो जाएगी और कल प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो वो कंजम्पशन आज कर लेंगे हालांकि उनकी प्राइस ज्यादा नजर आ रही होगी। एक्सपेक्टेशन इन प्राइस चेंज, ये वही बात, तो एक्सपेक्टेशन प्राइस चेंज की भी है। शॉर्टेज की सूरत में भी वो प्राइस बढ़ने के बावजूद भी परचेज करने को तैयार होंगे, और प्राइस चेंज की सूरत में भी वो प्राइस अभी आज बढ़ी है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल वो बढ़ जाएगी, फिर वो ज्यादा प्राइस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड में इजाफा जारी रखेंगे, और जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनके ऊपर भी लाभ डिमांड इस तरीके के साथ असरदार नहीं होता। आपको आटा अगर चाहिए तो 10 किलो आटा ही चाहिए ना, अगर प्राइस उसकी हाफ भी हो जाए तो शायद आप 10 किलो आटा ही लेंगे, और प्राइस अगर डबल भी हो जाए तो शायद आप 10 किलो आटा ही लेंगे, उतनी इफेक्टिवली आपका लाभ डिमांड उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। जैसे गिरफ्तार है शुगर राइस बीच ये जो चीजें प्राइस, तो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स की कुछ सिचुएशंस की जहां पे लाभ डिमांड को झटका लगता है और लाभ डिमांड अपनी असरअंदाजी खो देता है। कौन सी है, फैशन में चेंज हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया प्रोडक्ट, आप प्राइस जितनी मर्जी इंक्रीज कर देते हैं उसकी सेल्स को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। इनकम में चेंज होगी तो कुछ प्रोडक्ट भी आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, हायर इनकम होगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, लो इनकम होगी आपकी डिमांड कम होगी, तो चेंज इन इनकम की वजह से भी आपका इम्पैक्ट आएगा प्राइस के हाथ के। शॉर्टेज ऑफ गुड्स के अंदर भी लाभ डिमांड अपनी असरअंदाजी खो देगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज के ऊपर भी लाभ डिमांड अपनी असरअंदाजी खत्म कर देगा, और बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के ऊपर भी लाभ डिमांड उस तरीके के साथ असरअंदाज नहीं होता। क्लियर है, लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देन वी कम टू द गिफन रूल। गिफन रूल स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे रॉबर्ट गिफन, उन्होंने कुछ चीजें अंदर की, हैबिट्स ऑफ पुअर पीपल, हैबिट्स ऑफ पुअर पीपल, उन्होंने कहा था जो जरूरी जो ऐसे लोग हमने ऑब्जर्व किए कि जिनका बिहेवियर हमारे नॉर्मल लाभ डिमांड के अगेंस्ट, नॉर्मल लाभ डिमांड के अगेंस्ट था, वो इकोनॉमी के अंदर जब उन्होंने डिस्कशन की, जब कुछ ऑब्जर्वेशंस की, आप उधर एक्सपेरिमेंट्स किए तो फिर देखा कि ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पे हमारे लाभ डिमांड के अगेंस्ट ह्यूमन बिहेवियर है। नॉर्मल लाभ डिमांड तो कहता है कि प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी, नॉर्मल लाभ का डिमांड हमारे सामने है। देखिए गिफन मोड ऐसी होते हैं जहां क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है प्राइस इंक्रीज होने के साथ, प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ती है। क्या हो जाए
क्यों, किस वजह से ये इंपैक्ट आता है? दो वजूहत है जो हमने पहले भी पढ़ी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। ब्रेड की प्राइस को यहां पे बेसिक नीड, जो आपकी गरीब लोगों की इनकम में अंदर से ज्यादा हिस्सा जिसके ऊपर जा रहा होगा, उसकी एक एग्जांपल यहां पे डिस्कस किया है। कल के डिफरेंट गुड पे असर डाली किस तरह होती है, और जो हमारा हमने बड़ी की बात सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट की, उसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट गुड्स के साथ कैसा होता है। हमने कहा कि जब ब्रेड की कीमत बढ़ती है, ब्रेड की कीमत बढ़ती है तो क्या करेंगे? अब ब्रेड तो नेसेसिटी अपना ही है। अब लोग ये भी कह सकते कि पहले अगर मैं ब्रेड दो ब्रेड इस्तेमाल कर रहा था, दो रोटियां खा रहा था, तो अब मैं एक रोटी कर लू, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? आटे की कीमत बढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे पाकिस्तान में आटे की कीमत बढ़ जाए तो क्या होगा कि आप आटे की पहले अगर दो रोटियां खा रहे थे तो आप एक रोटी कर दें? नहीं पॉसिबल हो। तो फूड में क्या होगा कि आप अगर आटे के ऊपर आपने खर्चा करना ही करना है, तो आप शायद जो अपनी खुराक के अंदर आप शायद मक्खन के ऊपर कुछ खर्च कर रहे थे, शायद आप कोई घी के ऊपर कुछ ज्यादा खर्च कर रहे थे, शायद कुछ चीनी के ऊपर आप कुछ ज्यादा खर्च कर रहे थे, तो वहां से अपना खर्चा कम करेंगे और ब्रेड के ऊपर आप अपना, आटे के ऊपर आप अपना खर्चा पूरा करेंगे। जो गरीब लोग हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बिहेवियर के लिए उसने एक ऐसी सिचुएशन किराया बताई है कि जहां ये डिफरेंट गुड्स वो गुड्स हैं जहां पे आपकी इनकम का ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल होता है और इनकी कंजम्पशन को, क्वांटिटी को आप रिड्यूस नहीं कर पाते। और दूसरी चीज, यहां पे आपको कंजम्पशन करनी ही करनी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपीरियर लोड एंड डिफरेंट लोड? जी नुमान पूछ रहे हैं सुपीरियर लोड और डिफरेंट लोड में करना डिफरेंस है। जी सुपीरियर लोड हमने इस्तेमाल की थी इंफीरियर के मुकाबले में, सुपीरियर के आपने बीफ इस्तेमाल करना है, मटन इस्तेमाल करना है, आप ऐसी प्रोडक्ट जिससे जब आपकी इनकम बढ़े तो आप उसकी कंजम्पशन को बढ़ाना चाहें, वो स्टेटस सिंबल हो आपका एक तरह का, तो वो सुपीरियर गुड है इनकम के साथ रिलेशनशिप है उसका, और इंफीरियर का भी इनकम के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है? सुपीरियर और इंफीरियर का रिलेशनशिप इनकम के साथ था। यहां पे हम प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, डिफरेंट रूट्स के अंदर हम प्राइस की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्राइस और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ती है डिमांड बढ़ती है, प्राइस कम होती है डिमांड कम होती है। गिफ्ट गुड के अंदर हम प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, सुपीरियर और इंफीरियर गुड के अंदर हम इनकम और डिमांड की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, गिफ्ट गुड को दोबारा डिस्कस कर लें कि ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हमारा प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड, उसके ऊपर हमारी स्पेंडिंग बढ़ रही है। तो एक तो आपकी स्पेंडिंग बढ़ने की वजह यह है कि आप अपने अखराजात दूसरे खर्चों से कम करके इस खर्चे के ऊपर शिफ्ट करेंगे, वो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। दूसरे खर्चों को कम करके इस गुड की खर्चे के ऊपर आप शिफ्ट करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और ये एक ऐसा खर्चा है, ये एक ऐसी गुड है जो कि आपकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो प्राइस बढ़ने पे आप एकदम परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे कि नहीं, मैं अपनी लग्जरी आइटम्स, अपनी कुछ दूसरी आइटम, उनके ऊपर खर्चा कम करता हूं और इसके ऊपर अपना खर्चा करता हूं क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ रही है,
प्राइस बढ़ने से फियर क्या होता है, आपका फियर ये होगा कि जनाब प्राइस बढ़ रही है कल को ये शॉर्ट ना हो, ऐसे ही है ना। आटे के वाले से आज अगर आटा 40 रुपए किलो है और आज मार्केट में आवाज आ जाए कि आटा 80 रुपए किलो हो गया, तो जो लोग पहले 5 किलो आटा परचेज कर रहे थे वो शायद आप 10 किलो आटा परचेज करना शुरू कर देंगे। क्यों परचेज करेंगे? क्योंकि उन्हें फियर हो जाएगा कि मार्केट में शायद आटे की कमी हो रही है, इस वजह से गंदम की कमी की वजह से आटे की कीमतें बढ़ रही है। तो आप ज्यादातर लोग अपने पास आटे को स्टोर करना ज्यादा पसंद करेंगे, ठीक है जी, गिफन गुड के अंदर। और जब आपकी कमी की वजह से उनका इम्पैक्ट क्या होगा, जब आप आटे के ऊपर खर्चा ज्यादा करना शुरू करेंगे तो दूसरों के ऊपर खर्चा कम करेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा। और दूसरा इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट क्या आएगा कि आपने अपनी गिफन गुड की एक सर्टन लेवल को आपने मेंटेन करना ही करना है। जब आप सर्टन लेवल उसको मेंटेन करेंगे ही करेंगे तो आपको सर्टन इनकम अपनी ब्रेड के ऊपर या आटे के ऊपर खर्च करनी ही करनी। जब आप आटे के ऊपर अपनी इनकम खर्च करेंगे, आटे के ऊपर अपनी इनकम खर्च करना चाहेंगे तो इनकम आपकी इंक्रीज होगी, इनकम आपके इंपैक्ट भी करेगी और आपका स्पेंडिंग आपकी आटे के ऊपर या गिफन गुड के ऊपर लाजमी होगी। इनकम इफेक्ट, कंज्यूमर हैव लेस डिस्पोजेबल इनकम, देयरफॉर मस्ट रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंसिव गुड सच एज मीट एज दे विल नीड सब्सटेंस दे स्पेंड देयर इनकम ऑन ब्रेड इंस्टेड। The fact that a rise in bread price cause an increase in demand is only possible for a number of reasons. Expenditure on food takes up the majority of income. So, हमने गरीब लोगों की बात की है. There aren't many cheap alternative of sustenance than bread. Sustenance के अलावा bread के अलावा कोई और shift नहीं कर सकते. There are few examples of different food that have been empirically found. हमने theoretically इनको देखा है. It should be noted that it's an exception to the otherwise stable law of demand. Law of demand की exception है, ठीक है जी। गिफन गुड यहां पे कंप्लीट हो गया, गिफन गुड के बारे से भी बात हो भाईजान कदरदान मेहरबान। नौ 26 का आखिरी मैसेज आया था, 9:30 हो गए तो मैं सोच रहा हूं कि कहीं आप फोन नहीं आ, इसलिए सदर लालवी जी सर। तो गिफन गुड सदर आप पिछली क्लासेज में नहीं आते हैं, तो पिछले लेक्चर देख सकते हैं कि नहीं देखे, क्योंकि अब तो मैं जो बातें कर रहा हूं ये शायद आपके साथ से ऊपर से भी गुजर रही होगी। सारे लेक्चर देख सकते हैं, अच्छा सिर्फ स्टार्टिंग के देखें, क्योंकि ये जो अभी डिस्कशन चल रही है इसका लिंक काफी हमने जो चीजें देखी है जो पढ़ी है आपको उसके साथ किया हुआ, तो ये तो मतलब इस वक्त आपके ऊपर से गुजर रही होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा जीरो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर जरूर पूछ लें जो अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कोशिश करें कि अपने आपको क्लास के साथ जो है मैच कर, अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो जरूर डिस्कस। अच्छा ये तो हमारी गिफन गुड थी, इसके अंदर हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो एक उन्होंने किताब के अंदर हमें एक और एग्जांपल दी, ये एक एग्जांपल हाउसिंग मार्केट की, जहां जैसे पाकिस्तान के अंदर भी है हाउसिंग मार्केट का। हाउसिंग मार्केट के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान में भी क्या होता है, जिस सोसाइटी की
जिस लाल की कीमतें बढ़ रही हों उसके पीछे लोग ज्यादा जाना शुरू हो जाते हैं, या उसकी पूर्व सोसाइटी में कीमतें बढ़ रही हैं और पिछले दफा कल उसकी पिछले हफ्ते पिछले महीने उसकी कीमत थी 1 करोड़, अब 1.5 करोड़ हो गई है उसकी प्लाट की, 5 करोड़ से। तो लोग क्या करते हैं वो उसकी सेंस से कि वहां पे अभी प्रॉफिट की गुंजाइश मौजूद है तो लोग वहां पे परचेज करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। हाउसिंग मार्केट की ये जो बिहेवियर है ये गिफन गुड की करेक्टरिस्टिक के साथ मैच नहीं करता, हालांकि यहां पे भी प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है, लेकिन गिफन गुड हमारी वो प्रोडक्ट्स हैं जहां पे हमारी एग्जिस्टेंस क्या बात है, सिस्टेंस की बात है, हमारी एग्जिस्टेंस की बात है, उन गुड्स की बात को हम गिफन गुड्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। There is also some debate as to whether the housing market sometimes display characteristic that contradict the law of demand. In a housing bubble, when the price of house continues to rise, there is some thought that demand is higher for houses when the price rises. That's it. While this may be observed, the reasoning is different that of a different group. Houses are not homogeneous products. A house 5 मरले का वो 3 बेडरूम है, उसी 5 मरले के ऊपर 2 बेडरूम हाउस बने होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है। होमोजीनियस क्या होती है, होमोजीनियस क्या होती है कि शक्ल सूरत हैयत करेक्टरिस्टिक्स खसूसियात सब सेम हो, होमोजीनियस। सो इट इज इम्पॉसिबल टू फेयरली एंड एक्यूरेटली कंपेयर प्राइसेस, प्राइसेस को आप कंपेयर सही तरीके से कर नहीं सकते। Factors other than price determine the demand, other than price के ऊपर, for example availability of borrowing, ये एक other than जो आजकल इमरान खान साहब भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि घर बनाए जाए और उसके लिए mortgage की facility available की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों को परचेज करें, घरों की डिमांड बनने इकॉनमी के अंदर। तो अदर फैक्टर्स की वजह से आपकी प्राइस का ऊपर असर ताली हो रही होती है, डिमांड के ऊपर असर ताली हो रही होती है, सिर्फ प्राइस एक फैक्टर नहीं होता। क्लियर है जी? आधा मुश्किल से लाख मुश्किल। अच्छा जी, लेट्स मूव टू, अच्छा इस तो चीजें फिर हम सप्लाई पे चले जाते हैं। अच्छा, यहां पे हमने एक चीज, इनकम वर्सेस बैलेंस फिर ऊपर वाला देख लेते हैं, ये हमने चीज कल छोड़ी थी। इनकम वर्सेस बैलेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम एंड वेल्थ आर यूज एट यार्डस्टिक फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पर्सन और इकोनॉमी। तो इनकम और वेल्थ क्या होती है, इनकम क्या होती है, क्या ये दोनों एक ही चीज है, इनकम और वेल्थ क्या दोनों एक ही चीज है, नहीं एक चीज नहीं है, क्या फर्क है? वेल्थ के अंदर जी जो ओनरशिप है उसकी वो वेल्थ के अंदर आती है और इनकम में वेल्थ आपके एसेट्स को दिखाता है और इनकम आपकी अर्निंग को दिखाता है।
अर्निंग और एसेट एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है. अर्निंग और एसेट अलग अलग कॉन्सेप्ट है. अर्निंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं महीने के 1 लाख रुपया कमाता हूँ, तो ये मैंने अपनी अर्निंग बताया कि जी दिस इज माय अर्निंग. और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे 1 करोड़ के एसेट्स हैं, तो उससे ये अंदाजा हो जाएगा कि ये शख्स इतनी देर से कमा रहा है कि इसने इतनी सेविंग्स करके या अपने अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करके कंबाइन करके कुछ वेल्थ एक्यूमुलेट कर ली हुई है. अर्निंग में से कुछ पैसे सेव कर करके इसने अपनी वेल्थ बना ली हुई है. इसी तरह से इकोनॉमी के अंदर भी हमारा एक अर्निंग का पोर्शन होता है और एक वेल्थ का पोर्शन होता है. अर्निंग क्या है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हर साल कितनी होती है, वो अर्निंग का पोर्शन. और हमारे पास वेल्थ क्या है, हम भी पाकिस्तान में करते हैं. ऑल्दो आवर जीडीपी इज लो, बट वी हैव ग्रेट वेल्थ स्टोर्ड एज मिनरल एंड अदर गैसेस और extremely valuable resources that has nature provided us. We are a very wealthier nation. हम wealthy तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी national income, हमारी income, हमारी earning कम. तो wealth assets से relate कर रही है. हमारे पास इतने का सोना recordic, इतने million dollar, इतने billion dollar का सोना है जी, इतने मिनरल्स हैं जी, इतने आपके जेम्स हैं जी, वो आप कहते रहते हैं. आपके पास वाटर फ्लो है जी, आपके पास एग्रीकल्चर, लेकिन वो वेल्थ है, उससे आप अर्न करने की कर रहे, ये एक अलग इशू है. तो इनकम और वेल्थ को सेपरेटली आइडेंटिफाई करना, सेपरेटली समझना जरूरी है इकोनॉमिक्स के लिए. Have used joystick here, wealth refers to the value of assets owned at a given point. It is the money that is already saved and stored and can be used anytime by the owner. Income, on the other hand, is the money that is earned at any given point in time. Usually, these are specific amount of money required in periodic cycle. Ek saal ki income, ek mahine ki income, periodic cycle. National income is the aggregate of all incomes, which includes labor income and property income. Labor income is the largest share of national income and includes items such as wages, salaries, fine benefits, benefits, whereas property income includes rent, corporate profit, etc. In contrast, the household wealth includes tangible items such as house, car, land, and such as cash, bonds, and stock. Wealth are, in other words, net worth is the difference between the total assets and the total liability. Okay. Let's move to supply. Supply के discussion start करें. Well, तो इसके अंदर तो दिल को issue नहीं. अच्छा, ये को कौन सा इसके अंदर कर दिया? ये consumer value. Price डिमांड का सबसे बेसिक रिलेशनशिप प्राइस के साथ है. हमने जैसे पढ़ा, हम कहते हैं वैल्यू फॉर मनी यार पैसे दे लगे पर चस आ गए, कहते हैं कई लोग. उसकी क्या रीजन है, हम ये क्या बात कह रहे हैं, बात कह रहे हैं कि जहां हमें जो पैसा, जो प्राइस उसने चार्ज की जिस प्रोडक्ट की, उससे सेटिस्फेक्शन लेवल हमने ग्रेट सेटिस्फेक्शन हासिल की. वी वर एबल टू एक्वायर सर्टन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. और कंज्यूमर अपने पैसों से, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहता है. आपके पास 100 रुपया है, उसी 100 रुपये से आपको एक बर्गर मिल सकता है मिनी मार्केट में बर्गर की दुकान से, और फॉर एग्जाम्पल उसी 100 रुपये से हमें बर्गर मिल सकता है
अपनी मैकडॉनल्ड की दुकान के अंदर, तो दोनों से स्पेंडिंग, दोनों बर्गर्स की प्राइस सेम है, बर्गर्स सेम है, उसके अंदर क्वालिटी ऑफ बर्गर बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन वहां पे मैकडॉनल्ड में एक एनवायरमेंट फर्क किया हुआ, उन्होंने कहा जी कि आप आइए बैठिए, एसी लगा हुआ, साफ सुथरा माहौल, आपको हाइजेनिकली हम आपको ट्रीट करेंगे, तो आपको जो वैल्यू ऑफ मनी है वो, हालांकि दोनों जगहों पे सेम प्रोडक्ट है, उसमें एक हर्फ का भी फर्क नहीं है दोनों प्रोडक्ट के अंदर, दोनों की कीमत भी सेम है, दोनों की कीमत में भी एक रुपए का एक पैसे का फर्क नहीं है, लेकिन जो मैकडॉनल्ड से आपने बर्गर खाया उसकी जो वैल्यू फॉर मनी है, जो उसकी मनी वैल्यू आपको अंडरस्टैंडिंग होगी वो शायद कुछ ज्यादा होगी, प्रतिस्पर्ध किसी भी एक आम दुकान से बर्गर, उसकी रीजन क्या, सेटिस्फेक्शन लेवल आपकी ज्यादा होगी, क्योंकि आपने जो सेटिस्फेक्शन उस बर्गर से आपको सेटिस्फेक्शन दी उसको प्राइस पर अग्रीमेंट करेंगे तो कंज्यूमर वैल्यू आते, आपके मैकडॉनल्ड से खाया 1000 की सेटिस्फेक्शन, प्राइस कितनी थी 100, दैट मींस 10 की सेटिस्फेक्शन, आपने किसी नॉर्मल दुकान से खाया 100 की सेटिस्फेक्शन, प्राइस कितनी थी 100, वैल्यू कंज्यूमर वैल्यू कितनी है 1, हालांकि दोनों की प्राइस सेम थी, प्रोडक्ट सेम थी, सब कुछ सेम था, बट जो कंज्यूमर ने सेटिस्फेक्शन हासिल की वो दोनों में फर्क है, उसकी बेस के ऊपर हम उसको कहते हैं कंज्यूमर वैल्यू, एक तो प्राइस वैल्यू होती है और एक कंज्यूमर वैल्यू, दिस इज ऑब्वियसली ए सब्जेक्टिव डिसीजन, ये सब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल ही मे गेन लॉट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईटिंग ए चॉकलेट बार, फॉर एग्जांपल आप में से जो कह सकते हैं सर मैकडॉनल्ड को सीधी बड़ी बात है, उससे मुझे यहाँ पे 100 रुपए जो सेटिस्फेक्शन मुझे बाहर दुकान से बर्गर खाने में मिलेगी वही सेटिस्फेक्शन मुझे बर्गर से मिलेगी, उसकी मैकडॉनल्ड से मिलेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो मनी डिफर करेगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीज मैनेज वो सब्जेक्टिव, इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग, वैल्यू कंज्यूमर वैल्यू इज अ सब्जेक्टिव थिंग। अच्छा जी, स्टॉक एंड सप्लाई को भी देखते हैं, हम सप्लाई की तरफ जाना चाहते हैं, स्टॉक क्या चीज होती है, प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन की जाती है, अब हमारा थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाएगा, अब तक हम कंज्यूमर के एंगल से डिस्कशन कर रहे थे कि कंज्यूमर पैसे कम कीमत कम डिमांड ज्यादा, कंज्यूमर के एंगल से डिस्कशन कर रहे थे, हम सब भी कंज्यूमर हैं इसलिए हम उसे रिलेट कर लेते हैं, अब हमारा डिस्कशन का अंदाज बदल जाएगा, अब हम प्रोड्यूसर के एंगल से डिस्कशन करेंगे, सप्लाई के अंदर हमारा चीजों को देखने का एंगल बदल जाएगा, वी विल बी शिफ्टिंग आवर रोल फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर, क्लियर, अब हम चाहेंगे कि कीमतें ज्यादा हों, कीमत ज्यादा करना, एक प्रोडक्ट 100 रुपए की है 100 की 10 एक लाख रुपए की करें, जितनी ज्यादा कीमत होगी मैं उतनी ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करना चाहूंगा, अब हमारा एंगल टू व्यू द थिंग एंगल टू व्यू द प्राइसेस एंगल टू व्यू द सिचुएशन विल डिफर, ठीक है, यहां पे हम शूज अपने चेंज कर रहे हैं, वी आर गेटिंग इनटू द शूज ऑफ प्रोड्यूसर्स, अब प्रोड्यूसर्स के मामला को देखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अब तक हमारी डिस्कशन कंज्यूमर की थी और वो हमारे नॉर्मल थी इसलिए हमारी अंडरस्टैंड, अब प्रोड्यूसर्स के बारे में हमारी डिस्कशन, इफ आई एम अ प्रोड्यूसर देन व्हाट, मेरे लिए स्टॉक क्या चीज है, जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं फॉर्म फॉर सेकेंड देर आर ऑलवेज कंसिडर दैट शुड बी लेस, फिर इन वर्किंग ऑफ मिक्सिंग इकोनॉमी हम डिस्कस करेंगे, फॉर्म विल कंसिडर व्हाट इट शुड प्रोड्यूस एंड देन सेल टू कंज्यूमर हु आर लुकिंग टू बाय, देन दिस इज फॉर्म सप्लाइंग द मार्केट, बाय करने वाले को सेल कर दे तो सप्लाइंग द मार्केट, एट दिस स्टेज द प्रॉफिट विल बाय आवर इनिशियल प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वंस अ फर्म हैज डिसाइडेड टू प्रोड्यूस अ गुड इट मस्ट यूटिलाइज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन showing the scarcity of these resources, the cost is necessarily greater. The combination of the cost will determine the price for which it will want to sell the product. Supply. There is an important distinction between supply and stock. Supply, quantity, which firm are willing and able. Two things here. Supply के अंदर दो बातें.
quantity that firm are willing and able to supply at the prevailing market price. और stock है, the quantity of goods available to the firm. जब आप production करते हैं, क्या वो production सारी सारी एक दम से market में आने वाले हैं? Producers जब produce करते हैं, तो क्या वो production सारी सारी एक दम से market में आते हैं? नहीं बुलाते. क्यों नहीं बुलाते? वो अपने पास उनको रखते हैं, stock करते हैं, और फिर मार्केट का बिहेवियर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या वी आर विलिंग एंड एबल, हमारे पास इतना स्टॉक मौजूद है और क्या हम विलिंग है टू सेल ऑन प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे इस मार्केट प्राइस. अगर उनको लगे कि नहीं यार मार्केट प्राइस कम है तो वो अपनी प्रोडक्शन को स्टॉक में रहने देंगे, उसको सप्लाई नहीं करेंगे. तो प्रोडक्शन से हमें नजर आ रहा है, प्रोडक्शन से पहले प्रोडक्ट्स goods and services stock के अंदर जाएगी and then stock से supply के अंदर convert होगी. Supply is the last step in our production process. ठीक है, और supply के अंदर हमें ये चीज समझ आ गई कि जनाब हमारी producers will like to see if there are willing to sell on the prevailing market. Stock भी उन लोग प्रोड्यूस भी कर सकते हो और उसको मार्केट की प्राइस के मुताबिक सेल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल बताते हैं मुझे चेयर्स चाहिए. आप कितने बहुत अच्छी बात है, हम तो फर्नीचर बनाते हैं, बताइए कैसे चेयर्स चाहिए. जी मुझे सागवान की बनी हुई चेयर चाहिए, लकड़ी की कुर्सी होनी चाहिए, सागवान की बनी हुई हैंडमेड चेयर चाहिए और मुझे ये चेयर 10 दिन के अंदर आप प्रोवाइड करें. तो आप एबिलिटी चेक करिए, फर्म देखेगी क्या मैं मेरे पास स्टॉक में सामान मौजूद है, क्या मैं सामान की बना सकता हूँ, क्या हैंडमेड कारीगर मेरे पास मौजूद है, क्या ये मैं या ये बनी हुई चेयर मेरे पास मौजूद है. अपनी एबिलिटी चेक करेंगे, फिर वो पूछेगी कि सर आप कितने की ये चेयर परचेज करना चाहते हैं. वो कहेगा यार मुझे 1000 रुपए की ये चेयर मिलेगी. फिर वो विलिंगनेस चेक करेगी कि 1000 रुपए में क्या वो चेयर बेचने को तैयार है, क्या वो 1000 रुपए की जो कीमत बताते हैं इस चेयर के लिए उतनी कॉस्ट और प्रॉफिट इसके अंदर से मिल जाए. इसके अंदर जो उसकी मटेरियल लगा हुआ है, जो उसके लेबर लगी है, जो इन्वेस्टमेंट लगी है, वो 1000 रुपए का चेयर के अंदर से उसको उसकी रिकवरी हो जाएगी, प्रॉफिट भी मिल जाएगी. जब वो इन चीजों को चेक करेगा वो फिर बताएगा कि ठीक है ये मेरे लिए वाले का सौदा है, नहीं वाले का सौदा, वो सप्लाई करना चाहता है या नहीं करना चाहता. अब दूसरी बात आ गई हमारी सप्लाई और उसके हवाले से. सप्लाई का सिर्फ प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होती है. जिस समय हमने क्वांटिटी डिमांड को देखा था, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ एक्स, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. प्राइस के बारे में आगे कि प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के ऊपर हम बेचना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो ये तो सप्लाई की एक डिटर्मिनेंट तो हमें प्राइस नजर आती है. लेकिन क्या ये सिर्फ यही एक डिटर्मिनेंट है? क्या मार्केट में प्राइस सप्लाई ज्यादा हो सप्लाई कम हो, क्या सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बेस के ऊपर डिटरमिन होता है? अदर कैसा है, कोई और भी वजह हो सकती है. एग्जाम्पल में बताऊं, आइसक्रीम विंटर के अंदर सप्लायर सप्लाई कम कर देंगे क्योंकि ये आइसक्रीम डिमांड नहीं होगी, वहां सप्लाई कम कर देते हैं और समर के अंदर वो सप्लाई ज्यादा करते हैं. इसके अलावा और क्या बता सकती है? अदर फैक्टर्स जिसका मैं हमने वहां पे पढ़े थे, अदर फैक्टर्स, वो अदर फैक्टर्स इसके अंदर क्या है? इनमें अदर फैक्टर्स क्या है? सप्लाई के अंदर अदर फैक्टर्स हैं जिसको सप्लायर देखना, क्योंकि यहां पे आपका जवाब नहीं आ रहा, नहीं आ रहा उसकी रीजन क्या है. डिमांड के अंदर आपका डिमांड के अंदर आपके प्रोडक्ट जवाब आए थे, क्यों? क्योंकि आप खुद कंज्यूमर हैं, आप खुद देख सकते हैं कि डिमांड आपकी किस वजह से चेंज होती थी और सप्लायर में क्योंकि आपको सप्लायर नहीं है, इसलिए आप विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सप्लाई के अंदर चेंजेस किन वजह की बना पे आती है उसको आप अभी अंडरस्टैंड, उसको आप जवाब नहीं दे पाए. क्या वजह है जनाब? प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल चेंज हो रहा है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहे. मेरी पहले मैं 10 रुपए के ऊपर
एक सौ प्रोडक्ट सेल करना चाहता था। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, प्राइस एंड क्वान्टिटी सप्लाई, दस रुपए के ऊपर 300 प्रोडक्ट, 100 प्रोडक्ट, दस रुपए के ऊपर 100 प्रोडक्ट, 20 रुपए के ऊपर 200 प्रोडक्ट, 30 रुपए के ऊपर 300 प्रोडक्ट। ये मेरा सप्लाई का स्केड्यूल था। मैं लास्ट सप्लाई पे मुझे कहता है कि प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप, लास्ट सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप डिफाइन हुआ है, वो हमारा चल रहा है। तो प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होने से सप्लाई कम होगी, जो हमने यहाँ पे प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ी, बढ़ने से सप्लाई बढ़ी, प्राइस कम होने से सप्लाई कम हुई, प्राइस कम होने से सप्लाई कम हुई। अब प्राइस कम होने का मतलब क्या है, जो प्रोड्यूसर है उसको कम कीमत मिल रही है, इसलिए वो प्रोड्यूसर सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, अपनी विलिंगनेस टू सप्लाई खत्म कर देंगे और कम से कम लोग रह जाएंगे जो कि लो प्राइस के ऊपर सेल करने को तैयार होंगे। तो दैट इज व्हाई सप्लाई हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ाएं सप्लाई बढ़ाएं, प्राइस बढ़ाएं सप्लाई बढ़ाएं, प्राइस कम करें सप्लाई कम करें, प्राइस कम सप्लाई कम। तो अब जनाब इसके अलावा भी किसी वजह से क्वांटिटी सप्लाई होने लगा फैक्टर, उसमें देखे थे कि क्वांटिटी सप्लाई इनकी वजूहत के अलावा भी किसी वजह से क्वांटिटी सप्लाई के अंदर बता सकता है, सेम प्राइस में लेकिन आप क्वांटिटी सप्लाई उतनी ना उठा सके जितनी के पहले इस प्राइस को उठा सकते थे, वो क्या वजह सकती है जी, वो क्या वजह सकती है, जैसे हमारा रॉ मटेरियल प्राइस, आप प्रोड्यूसर क्यों क्यों सप्लाई करता है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर क्यों प्रोडक्ट सप्लाई करता है, वो करता है आप के प्राइस मिलेगी मुझे रिटर्न 10 रुपए का मिला बुक प्राइस है, इसमें मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स 5 रुपए की कॉस्ट ऑफ सेल है, ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट 5 रुपए, आगे सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट, इसमें 3 रुपए का सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट थी और नेट प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा 2 रुपए का। इस वजह से प्रोड्यूसर सप्लाई करता है, प्रोड्यूसर प्राइस के ऊपर सप्लाई करता है प्लस अपने प्रॉफिट कमाने के लिए सप्लाई करता है, प्रॉफिट इज द मेन मोटिव टू सप्लाई। और अगर उसका प्रॉफिट कम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल वेजेस बढ़ गई किसी और वजह से, प्राइस सेम रही वेजेस 7 रुपए हो गई, अब उसका नेट ग्रॉस प्रॉफिट 3 एडमिन 3 प्रॉफिट ना हो गया 0, तो क्या आप वो 10 रुपए के ऊपर सप्लाई करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि 10 रुपए में कोई बैठता नहीं है सर, पहले मैं 10 रुपए में देने को तैयार था, तो भाई अब प्राइस तो कम नहीं हुई लेकिन तुमने सप्लाई खत्म कर दी, क्या रीजन हुई, प्राइस तो उतनी ही रही, प्राइस तो सेम रही, बट यू आर नाउ यू आर नॉट विलिंग टू सप्लाई, व्हाई सर, वेजेस बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ गई और अदर एक्सपेंसिस बढ़ गई, हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, प्रॉफिट खत्म हो गया, नाउ आई एम नॉट विलिंग टू सप्लाई ऑन 10 रुपीज, इस प्राइस के ऊपर आई विल इस प्राइस के ऊपर आई विल रिड्यूस कट माई सप्लाई। आप कुछ लोग इसके ऊपर भी ऊपर देंगे, कुछ टाटा बैंक हो सकता है, इस इंक्रीज की वजह से रॉ मटेरियल प्राइसेस की इंक्रीज की वजह से, हमारे वेजेस की इंक्रीज की वजह से, हमारे टैक्सेस की इंक्रीज की वजह से, हमारे पास प्रॉफिट कुछ नहीं बना, अच्छा यहाँ सब्सिडी की वजह से, टैक्सेस और सब्सिडी हम बाद में देख लेते हैं, हमारे प्रॉफिट के ऊपर हिट आ रही है, ऐसे फैक्टर जिनसे हमारे प्रॉफिट के ऊपर हिट आ रही है, उन फैक्टर्स की वजह से वेदर वगैरह इसमें लिंक नहीं कर रहा, और क्या हम यहाँ पे वेदर वगैरह लिंक नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी से भी हमारे प्रॉफिट के ऊपर इस पर होती है कि हम पहले सिर्फ 2 यूनिट प्रोड्यूस कर पाते हैं, अब नई मशीन लगी है हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो टेक्नोलॉजी से हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई, अब प्रोडक्शन बढ़ने से हमारे क्या होगा, रेडीमेडी कॉस्ट और सेल्स पर इम्पैक्ट कम हो जाएगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी से भी हमारी प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट आता है, बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से अदर फैक्टर्स जो है ना इसके अंदर अदर फैक्टर्स हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड अदर फैक्टर है, हमारी प्रोडक्शन के ऊपर जो प्रॉफिट के ऊपर सत्ता होने वाली चीज है वो हमारे अदर फैक्टर है, लॉ ऑफ सप्लाई को खत्म करने के लिए उनके अंदर, क्लियर है यहां तक।
supply projection, that's the material content. Target supply, reservation price. Challenge this one. कल में डिस्कस करते हैं ये लास्ट सप्लाई नाम है क्या रिजर्वेशन प्राइस हमारी कल डिस्कस होगी लास्ट सप्लाई प्राइस ऑफ वुड राइस सेट इज फेडर सप्लाई ऑफ वुड एक्सटेंड एंड प्राइस ऑफ वुड फॉर सेट इज फेडर सप्लाई ऑफ वुड कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात है सेट इज फेडर ये है अजम्पशंस क्या है अजम्पशन कोई है नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नो चेंज इन टेक्नोलॉजी नो चेंज इन क्लाइमेट नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट नो चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नो चेंज इन प्राइस ऑफ कैपिटल टैक्स रेट आर स्टेबल ये अजम्पशन है हमारे इस स्केड्यूल की ये जो हमने बताया था कि प्राइस बढ़ेगी तो सेल्स की हमारी सप्लाई बढ़ेगी इसकी अजम्पशन है ना आप सप्लाई की अजम्पशन है ये वही हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप है इसलिए लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप आएगी हमारे पास और लेट्स कंक्लूड हियर बाकी डिटरमिनेंट्स को और बाकी चीजें हम मंडे को डिस्कस करेंगे मंडे को आकर टेस्ट भी होगा उसकी भी तैयारी करें और इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात भी होगी अल्लाह हाफिज़